वही हरिद्वार के रुड़की सिविल अस्पताल प्रशासन एक शख्स ने पत्नी की डिलीवरी के दौरान उसका बच्चा चोरी करने का आरोप लगाया है। इस मामले के बाद अस्पताल विवादों के चर्चाओं में है। शख्स अस्पताल के उच्च अधिकारियों से लेकर पुलिस पर भी अपनी गुहार लगा चुका है। दूसरी पुलिस के बीच भी उलझन बढ़ती हुई दिख रही है। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी गुलाब सिंह ने बताया कि 20 मई को वह पत्नी को लेकर डिलीवरी के लिए मंगलौर के गुरुकुल नारसन स्थित CHC सेंटर ले गया, जहां से उनको रुड़की सिविल अस्पताल के लिए रेफर किया गया। एम्बुलेंस के जरिए वो अपनी पत्नी को रुड़की सिविल अस्पताल लेकर आया। 20 मई की शाम ही रुड़की सिविल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की डिलीवरी हुई, लेकिन वह मृत था, जबकि दूसरे बच्चे कर दिया कि बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है और वहां उसका इलाज संभव नहीं है। इसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। बुरा मामला जी, मैंने सर दो अल्ट्रासाउंड करवाए थे, एक देवबंद के जाने करवाया था जी, उसमें दो बच्चे बताए, फिर यहां से रुड़की में सक्षम के यहां करवाए जी, उसमें भी दो बच्चे आए जी, दो अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी, एक 11:05 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा आया जी, सर दो बच्चे थे, एक बच्चे का सर पता चला, उन्होंने कहा कि पेट में बच्चा छिपक रहा है जी, उन्होंने कहा एम्स में ले जाओ, फिर मैं 108 में एम्बुलेंस में ले गया जी, मुझे वहाँ से एम्बुलेंस वालों ने 100 हरिद्वार में जाकर परेशान किया जी, क्या आने लगे कि भाई पहले स्टाफ को छोड़ कर आएंगे, तेरी घरवाली पैद में जाएगी, तो फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करके फिर मुझे वहाँ भेजेगा जी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा सर, तो वहाँ से इमरजेंसी में मैंने अपने घरवाली भर्ती करी, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि बच्चा तो पहले डिलीवर हो चुका है। मतलब वर्बली 2-3 दिन पहले आ गया था और ऑफिशियली आज ही मैं लेट बनाने का हुआ है, और इसमें मैंने CMO को 2-3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में हाई लेवल की एक कमेटी बना के हैं पूरी जांच की जाए, और जो भी सच है वो सामने उनके भी आ जाए, और जो भी इसमें दोषी अगर कोई है तो उसको भी इसके अंदर हम लोग सजा का देखेंगे। पर अभी तक जो भी सूचना आई है हमारे हिसाब से, और एम्स के यहाँ से एक बच्चा डिलीवर होने के बाद में जब डॉक्टर नहीं को दूसरे बच्चे का कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इस सेफर साइड में इस एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया था कि ऐसा ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो उसके अंदर, तो जो भी होगा वो जाँच के अंदर हमारी पूरी उसके अंदर हमारी आ जाएगी।